हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपके प्लांट्स भी हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रिपोर्टिंग पे। तो रिपोर्टिंग हमें कैसे करनी है, किस तरीके से करनी चाहिए और रिपोर्टिंग हम किस तरह से करें कि उससे हमें अच्छा फ़ायदा मिले और हमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र ना डालना पड़े, ज़्यादा गोबर की खाद ना खरीदनी पड़े और वर्मी कंपोस्ट ना खरीदना पड़े, कम से कम मिट्टी और कम से कम खाद में हमारा काम चल जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज हम रिपोर्टिंग का यूनिक तरीका। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें क्या करना है, ये मैंने पॉट ले लिए हैं, मैंने इनमें नीचे कपड़ा लगा दिया है रेन होल्स पे और ऊपर से ये एक छोटा कंगड़ रख दिया है। ऐसे ही फ्रेंड्स, मैंने तीन पॉट तैयार किए हैं और एक मेरा पॉट ये है, इसमें मैंने रिपोर्टिंग की हुई है। तो देखिए, इसमें मैंने कोई भी खाद नहीं डाला है और ये अच्छे से सीडलिंग्स लगाए थे मैंने, अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो इसमें क्या डाला था, मैंने सिर्फ नीम की पत्तियों को इस सॉइल में मिक्स कर दिया था। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना रिपोर्टिंग का यूनिक तरीका। तो फ्रेंड्स, ये है, तो फ्रेंड्स मैंने क्या क्या लिया है रिपोर्टिंग के लिए, कुछ सूखी पत्तियां ली हैं, कुछ प्याज के छिलके लिए हैं और कुछ चीज़ें मैंने और ली हैं, आपको मैं दिखा। तो कुछ फ्रेंड्स मैंने ले रखे हैं मूंगफली के छिलके, आप इससे ज़्यादा मात्रा में लें, मैंने ये थोड़े, मेरे पास थोड़े थे तो मैंने थोड़े से ही ले लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, इन सूखी पत्तियों को इस पॉट में नीचे बिछा देंगे। और इस पॉट में हम ये ऑनियन पील्स को डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें अपने पॉट तैयार कर लेने हैं। और एक चीज़ का ख़ास ख्याल हमें क्या रखना है इस रिपोर्टिंग में, हमें इसमें गार्डन सोइल का ही इस्तेमाल करना है या खेत की मिट्टी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमें इसमें अच्छी मिट्टी का उपयोग करना है। तो मैं इसमें कर रही हूँ अपनी इस गार्डन सोइल का उपयोग। तो अब हम अपने इन पॉट्स में गार्डन सोइल डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये सारे ही पॉट्स अपने तैयार कर लिए हैं सोइल से और मैंने लगभग 2-2 इंच इन्हें खाली छोड़ दिया है ताकि हम कोई फर्टिलाइज़र दें तो वो आसानी से इसमें मिला सकें और पानी अच्छे से, गर्मियों में पानी अच्छे से दे सकें। तो इसलिए मैंने 2-2 इंच इनमें जगह छोड़ी है। तो अब फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हमें लगा लेने हैं अब अपने प्लांट्स। तो चलिए अपने प्लांट्स हम लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये कुछ सीडलिंग्स निकाल लिए हैं पॉट से, अब मैं इन्हें इनमें लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अपने सीडलिंग्स इसमें लगा दिए हैं। अब हमें लास्ट काम क्या करना है, हमें देना है इन्हें पानी। फ्रेंड्स, मैं इन्हें ज़्यादा पानी नहीं दूंगी क्योंकि ये सीडलिंग्स हैं, बड़े प्लांट नहीं हैं और सर्दियों का मौसम है, तो इसलिए मैं इन्हें थोड़ा सा पानी दूंगी ताकि मिट्टी अच्छे से सेट हो जाए और ये भी अच्छे से सेट हो जाएं। और अभी मैं इन्हें कोई फर्टिलाइज़र नहीं दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये था एक रिपोर्टिंग का यूनिक तरीका, कम मिट्टी में कैसे आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।